कठोपनिषद में द्वितीय वल्ली के अंतर्गत एक श्लोक आया है, अणोरणियान महतो मह्यान आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम अक्रतुः वीतशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। इस श्लोक में ईश्वर के बारे में बताया गया है और ईश्वर को कौन देखता है, ईश्वर को कौन समझता है, वो भी बताया गया है। पहली बात बताई अणो अणियान, क्या अर्थ है इसका? अणु से अणुतर, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। अणु का अर्थ अणु भी होता है, परमाणु भी होता है, और अणु का अर्थ सूक्ष्म भी होता है। जो परमेश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु हो कौन सी भक्ति, पंचमी, तुलना में दो की जब तुलना की जाती है तो पंचमी होती है। सूक्ष्म कौन है? प्रकृति, प्रकृति से भी सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, उसके अंदर व्याप्त है। उपनिषद के अंदर एक अंतर्यामी ब्राह्मण है, उसमें बताया गया है कि जो परमात्मा आत्मा के अंदर है उसका अंतर्यामी है, और आत्मा जिसका शरीर है, किसका? परमात्मा का। तो ईश्वर सूक्ष्म पदार्थों से भी सबसे सूक्ष्म है, ईश्वर से सूक्ष्म और कुछ नहीं है। फिर दूसरी बात बताई महतो महियान, जो बड़े बड़े पदार्थों से भी बड़ा है। बड़े बड़े पदार्थों का उदाहरण दिया है, पृथ्वी, आकाश आदि पदार्थों से भी जो बड़ा है, सृष्टि के बाहर भी जो विद्यमान है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी मंत्र आता है, एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मिथुनः। आगे क्या बताया? आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम, ये जो परमात्मा है ये इस जंतु की गुहा में निहित है, स्थित है। जंतु किसको कहते हैं? जन धातु से बना है, जो उत्पन्न होता है प्राणी। आत्मा तो उत्पन्न नहीं होता, आत्मा युक्त जो शरीर है वो उत्पन्न होता है। तो इस प्राणी की गुहा में जो परमात्मा निहित है, स्थित है, इसका अर्थ किया है हृदय के एक देश में परमात्मा स्थित है। दो प्रकार के हृदय बताए जाते हैं, एक तो छाती वाला हृदय और दूसरा मस्तिष्कगत हृदय। छाती वाले हृदय में भी उसके एक देश में परमात्मा स्थित है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, फिर ऐसा क्यों कहा कि वह हृदय के एक देश में स्थित है?
तो इसको समझना चाहिए कि जैसे कोई पूछे कि भाई पीने का पानी कहाँ मिलेगा, तो उसको क्या बताया जाता है, वहाँ पर नल लगा है, वहाँ से आपको पानी मिल जाएगा। पीने का पानी तो टैंकी में भी होता है, वहाँ नहीं कहते, कहाँ कहते हैं, जहाँ से पानी प्राप्त होता है। तो ईश्वर की जो प्राप्ति है, ईश्वर का जो साक्षात्कार है, हृदय प्रदेश में होता है। इसलिए ईश्वर को क्या कहा कि ईश्वर हृदय में स्थित है। फिर हृदय के एक देश में लिखा। अब हृदय तो बहुत बड़ा है, आत्मा भी हृदय के एक देश में रहता है, तो जहाँ आत्मा होगा वहीं वह आत्मा ईश्वर का साक्षात्कार करेगा। इसलिए क्या लिख दिया, हृदय के एक देश में ईश्वर स्थित है। दूसरी बात, बुद्धि रूपी हृदय में भी स्थित है, मस्तिष्कगत जो हृदय है, बुद्धि है, उसमें भी स्थित है। कैसे? जैसे इसको समझने के लिए, सारा का सारा विश्व किस में है? एक ग्लोब के अंदर सारा का सारा विश्व आ जाता है। आपको सारे विश्व की, संसार की जानकारी प्राप्त करनी है तो ग्लोब के माध्यम से आप सारे संसार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सारा का सारा संसार किस में है? ग्लोब में स्थित है। इसी प्रकार से ईश्वर भी बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, बुद्धि से ईश्वर जाना जाता है। जैसे विश्व सब जगह व्याप्त है लेकिन वो ग्लोब से जाना जाता है, इसी प्रकार से ईश्वर भी बुद्धि से जाना जाता है, बुद्धि बल से जाना जाता है। इसलिए क्या कहेंगे कि ईश्वर बुद्धि रूपी गुहा में निहित है, स्थित है। वो जानने की दृष्टि से कहा, और छाती वाले हृदय में निहित है वो प्राप्त होने की दृष्टि से कहा। फिर आगे बताया, तम पश्यति अक्रतुः, उसको कौन देखता है? अक्रतु, ये अक्रतु जीवात्मा के लिए आया है, और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जीवात्मा के लिए क्रतु शब्द भी आया है। कौन सा मंत्र है? ओम क्रतु स्मर, हे कर्मशील जीवात्मा तू ईश्वर का स्मरण। तो क्रतु का अर्थ हो गया कर्मशील, तो अक्रतु का अर्थ क्या? अकर्मशील, आलसी। क्या आलसी जीवात्मा ईश्वर को देखता है? नहीं। अक्रतु का अर्थ किया है जो जीवात्मा निष्काम भावना से अच्छे कर्मों को करता है, लौकिक फल की आकांक्षा ना करते हुए, विषयों में आसक्त ना होते हुए, वो उस परमेश्वर को देखता है। निष्काम कर्म करने वाला, निष्काम कर्म क्या होता है? कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ईश्वर भी ऐसा है, ईश्वर भी पुरुषार्थी है, इसलिए मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए मैं भी न्यायकारी न्याय आचरण कर रहा हूँ। अर्थात अपना गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसा बनाना कि ईश्वर ऐसा है तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, ये निष्कामता है। इसके पीछे कोई लौकिक कामना नहीं है। ईश्वर ऐसा है इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, ईश्वर परोपकारी है इसलिए मैं भी परोपकारी हूँ,
ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो क्या कहलाता है? निष्काम कर्म। ईश्वर परोपकार कर रहा है, मैं भी परोपकार करूंगा तो ये ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये ईश्वर जैसा मैं हो जाऊंगा। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, निष्कामता से माता पिता की सेवा करो, गुरु आचार्यों की निष्कामता से सेवा करो, ईश्वर भी सबकी सेवा कर रहा है, मैं भी सेवा करूं। तम पश्यति अक्रतु वीत शोको, विगतः शोकः यस्य। और जब मनुष्य निष्काम कर्म करता है तो उसका शोक दूर हो जाता है। शोक दूर हो जाने से उसकी जो बुद्धि है, उसका जो चित्त है, वो प्रसन्न हो जाता है। शोक को दूर करने की बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी बताई है। कहाँ पे? तत्र को मोह को शोकः एकत्वम अनुपश्यता। अर्थात जो आत्मवत व्यवहार करता है, जैसे अपनी उन्नति चाहता है वैसे दूसरों की भी उन्नति चाहता है और यथाशक्ति उसके लिए प्रयास भी करता है, यह है एकत्वम अनुपश्यता। तो इस स्थिति में उसको कोई मोह शोक नहीं होता, उसका आत्मा का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म करने से उसको ईश्वर की ओर से विज्ञान मिलता है और विज्ञान मिलने से उसका शोक दूर हो जाता है। फिर आगे दिया, धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। धातु का अर्थ किया है बुद्धि की प्रसन्नता से वो ईश्वर आत्मा की महिमा को देखता है। बुद्धि की प्रसन्नता से, बुद्धि की प्रसन्नता का मतलब बुद्धि पवित्र हो गई, सात्विक हो गई, अंतःकरण पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, अब वो ईश्वर को देखता है। वेद के एक मंत्र में आया है, तमीशानम जगतस्तस्तुषस्पतिम धियम जिन्वम। ईश्वर कैसा है? बुद्धि को तृप्त करने वाला है, बुद्धि प्रसन्नता से भी तृप्त होती है, ज्ञान से भी तृप्त होती है। तो जब मनुष्य निष्काम कर्मों को करता है कि ये जो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ ये ईश्वर का भी स्वभाव ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ, इससे आत्मा की उन्नति होगी, इस भावना से जब वो निष्काम कर्म करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और पवित्र अंतःकरण वाला जब ध्यान करता है तो फिर वो ध्यान से समाधि अवस्था को प्राप्त होगा और समाधि अवस्था में फिर वो ईश्वर का साक्षात्कार करेगा। तो इस श्लोक के अंदर ईश्वर को देखने की बात बताई गई है कि मनुष्यों को ईश्वर को देखना चाहिए, जानना चाहिए। हम जो संध्या उपासना करते हैं, प्रातःकालीन मंत्र बोलते हैं, वेद पाठ करते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं, ये किस लिए करते हैं? वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करता है, ये सब ईश्वर को जानने के लिए करते हैं, समझने के लिए करते हैं। और ईश्वर को जानकर, ईश्वर को समझकर ही क्या होगा? तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यमः। तो अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम ध्यान कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, तो उससे कोई विवेक उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए निष्कामता से कर्मों को करने का अभ्यास हमें बनाना चाहिए। यहीं तक रखते हैं।